हेलो स्टूडेंट्स आज हम इमेज बेस्ड क्वेश्चन में जो कि नर्सिंग एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को देखते हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमें इनके बारे में पता होना चाहिए मिस व्हाट इज़ दिस इमेज और आर्टिकल्स इन पिक्चर हाउ वी यूज वाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस आर्टिकल्स तो ये देखते हैं आइडेंटिफाई दिस आर्टिकल्स जो हम आर्टिकल्स यहाँ पर देंगे वीडियो में पिक्चर उसको आपको आइडेंटिफाई करना है ये क्या आर्टिकल्स है और आप इसको पहचानूँ दिस इज प्रोक्टोस्क्रोप इस आर्टिकल्स का नाम है प्रोक्टोस्कोप प्रोक्टोस्कोप इज यूज टू एग्जामिन द रेक्टम ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन प्रोक्टोस्कोप का यूज हम रेक्टल एग्जाम में करते हैं जो हम फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान करते हैं प्रोक्टोस्कोपी इज ए कॉमन मेडिकल प्रोसीजर इन विच इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ए प्रोक्टोस्कोप इज़ यूज टू एग्जामिन द एनल एनल्केविटी रेक्टम और सिगमोइड कोलोन मीन्स प्रोक्टोस्कोप का यूज हम प्रोक्टोस्कोपी प्रोसीजर के दौरान करते हैं जिसमें हम एनल्केविटी रैक्टम एंड सिगमोयड कोलोन का एग्जामिनेशन करते हैं तो दिस इज द प्रोक्टोस्कोप एंड यूज इन प्रोक्टोस्कोपी प्रोसीजर प्रॉर्ट स्ट्रेट रेजिड होलो मेटल ट्यूब एंड यूजली स्मॉल लाइट माउंटेड एट द एंड प्रोक्टोस्कोप एक सीधा छोटा कठोर और एक होलो मेटल ट्यूब होता है प्रोक्टोस्कोप एक छोटा सीधा रेजिड और होलो मेटल ट्यूब होता है जिसमें आगे के एंड पर जहाँ से ब्लट होता है एक लाइट बल्ब होता है जो हमारे प्रोक्टोस्कोपी प्रोक्टोस्कोपी में रेक्टम को देखने में मदद करता है प्रोक्टोस्कोप इज अप्रोक्सीमेटली फाइव इंचज और फिफ्टीन सेंटीमीटर लॉन्ग प्रोक्टोस्कोप की सामान्यतः लंबाई या पाँच इंच या पंद्रह सेंटी होती है बहुत डिस्पोजेबल एंड नॉन डिस्पोजेबल प्रोक्टोस्कोप आर अवेलेबल फॉर यूज प्रोक्टोस्कोप डिस्पोजेबल भी हो सकते हैं और नॉन डिस्पोजेबल भी प्रोक्टोस्कोप इज इंसर्टेड इन टू द एनल कैनल विद द पेशेंट्स सिम्स पोजिशन प्रोक्टोस्कोप को सिम्स पोजीशन में प्रोक्टोस्कोप को हम एनल कैनाल में सिम्स पोजिशन में पेशेंट को रख कर इंसर्ट करते हैं द प्रोक्टोस्कोप इज़ यूज इन द डायग्नोसिस ऑफ हेमरोइड कार्सिनोमा ऑफ एनल कैंसर और रेक्टम एंड रेक्टल पॉलिप प्रोक्टोस्कोप का यूज एनल और रेक्टल कैनाल के हेमरोड कार्सिनोमा, एनल कैंसर रेक्टल पॉलिप्स के डायग्नोसिस में करते हैं इसकी सहायता से हम रेक्टल और एनल कैनाल के, के डिफरेंट टाइप्स के आप को चेक कर सकते हैं देख सकते हैं इसमें हेमरोइड कार्सिनोमा पॉलिव मुख्य रूप से इसमें हम इनका डायग्नोसिस कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स ये था प्रोक्टोस्कोप और इसको हमने डायग्राम में ठीक से सीखा किस तरह का प्रो प्रोक्टोस्कोप आर्टिकल होता है और इसको हम प्रोक्टोस्कोपी में यूज करते हैं तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन इमेज बेस्ड क्वेश्चन में आप इसको अच्छी तरह से सीख गए होंगे कि क्या प्रोक्टोस्कोप होता है क्या क्या होता है प्रोक्टोस्कोप से हम क्या चीज़ का एग्जामिनेशन कर सकते हैं पेशेंट को किस पोजिशन में हम प्रोक्टोस्कोपी में लिटाते हैं दे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर रिक्रूटमेंट का एग्जामिनेशन दैट इज सेम्स वट इज सेम्स पोजिशन तो हमने यहाँ आर्टिकल के साथ साथ डिफरेंट क्वेश्चन का लर्न किया है, मिस प्रोक्टोस्कोप का यूज किस किन बीमारी की, की डायग्नोसिस में किया जाता है कौन सा पोजिशन देते हैं इस प्रोसीजर का नाम क्या है तो so, स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजेगा और हमारे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो थैंक यू